हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का एक नया फीचर, जिसमें हमें देखना है इनलाइन फ्रेम्स क्या होते हैं। कल आपने देखा फ्रेम्स क्या होते हैं, जब हमने एक पेज के बहुत सारे हिस्सों में डिवीजन किया और हर फ्रेम स्टैटिक था अपनी पोजीशन पे। तो मैंने 11th में आप लोगों को इनलाइन फ्रेम्स बताया है, इनको आई फ्रेम्स भी बोलते हैं। ये आप लोग अपने पेज पे डायनेमिकली कभी भी कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं और इसकी पोजीशन आप डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हम को एक नया पेज लेते हैं, फाइल में हम नया एक वेब पेज बनाते हैं। आज यूजुअली जब आप फ्रेम्स बनाते थे तो आप फ्रेम पेज पे जाते थे, लेकिन जब आपको आई फ्रेम या इनलाइन फ्रेम बनाना होता है बेटा, तब आप सिंपल एचटीएमएल पेज पे ही वो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया है और यहाँ पे मैं चाहती हूँ मेरा एक आई फ्रेम आए। तो दिस इज माई आई फ्रेम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगी एंड फिर आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पे HTML में जाना है। यहाँ पे देखिए इनलाइन फ्रेम ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आ रहा है फ्रेम। अब यहाँ पे जिस तरीके से कल हमने फ्रेम्स देखे थे पिछले लेक्चर में, उसमें भी इसी तरीके से इनिशियल पेज के लिए आप लोगों को मांगता है, या आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अनटाइटल्ड वन पेज कल ही हमने बनाया था, जिसका रेड बैकग्राउंड रखा था, तो मैंने वही यहाँ पे इनलाइन फ्रेम में रख दिया। तो देखिए इसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, लेकिन कल जो हमने फ्रेम्स बेटा बनाया था उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है आई फ्रेम। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है लेयर्स का, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो लेयर्स है। तो लेयर्स आप लोगों को ऐसे जब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं, लेयर मीन्स जब हम कोई मतलब एक दूसरे के ऊपर जब हम कुछ स्टैक करते हैं कोई चीज़, तो वो लेयर्स बनाती हैं। आज हमें देखना है यही लेयर्स हम किस तरीके से अपने वेब पेज में क्रिएट कर सकते हैं। तो लेयर्स थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसमें हमें बहुत सारा पढ़ना था इन केस अगर आपके सिलेबस में होता, लेकिन इन्होंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो हम लेयर्स को अगर आपके रूम को बेटा इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसी पेज में हम लेयर्स को इंसर्ट करते हैं, एंटर करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे फॉर्मेट। यहाँ देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन लेयर्स भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे। तो जब हम इसमें यहाँ पे लेयर टूल बार अपेयर होता है, ये जो है ये टूल बार, ये लेयर्स का टूल बार है जो राइट साइड में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी टूल बार से एक लेयर इंसर्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट लेयर, यहाँ पे आ रहा है ड्रॉ लेयर, हम करेंगे इंसर्ट लेयर। तो देखिए यहाँ पे एक लेयर इंसर्ट हो गया, ये देखिए इसको मैं यहाँ पे छोड़ दी। तो ये जो है यहाँ पे लेयर है, हम इस लेयर का इंक्रीज डिक्रीज साइज भी कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको बड़ा कर दिया, आप इसको छोटा, जिस तरीके से आप एक फोटोग्राफ के साथ कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। अब हमें इंसर्ट करना है, पहले हम अगर आपको इस लेयर में कोई ऑब्जेक्ट डालना है, कुछ टेक्स्ट डालना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर प्लेस करना है। फिर हम नॉर्मली जैसे आप पेज में इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से आप लोगों को इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे एक पिक्चर इसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें देखती हूँ मैं कोई पिक्चर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी, इसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं पहले पिक्चर प्रॉपर्टीज़ में इसका साइज़ कम कर दूंगी, जैसे हम करते थे, तो इसका बहुत छोटा साइज़ कर देंगी, सिंस मुझे लेयर्स में चाहिए और मैं चाहती हूँ इसका साइज़ बहुत छोटा हो। एग्जांपल मैं यहाँ पे 55 मैंने कर दिया इसको। ओके, देखिए ये लेयर में मेरा फ़ोटो आ गया। यहाँ पे आप फिर इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आ गया लेयर में मेरा फ़ोटोग्राफ। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, इस लेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये
बिल्कुल ही एक अलग क्या बोलेंगे, एक अलग लेयर है इस पेज के साथ, ये कंसिडर नहीं की जाती है। तो दैट्स वाई आप लोग ये मूव नहीं होती। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप किसी और चीज़ के साथ टेक्स्ट लिखे, अगर मैंने इमेज डालनी होती वेब पेज में, तो तब थोड़ा सा डिफरेंट आता। हम वो भी देखते हैं। देखिए मैं इंसर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे पिक्चर कर रही हूँ। अब मैं कहाँ पे कर रही हूँ इंसर्ट? अब मैं कर रही हूँ पिक्चर इंसर्ट आपके वेब पेज में, ना कि किसी लेयर में। तो मैंने इंसर्ट कर लिया, इसको ओके करेंगे। इसमें पिक्चर प्रॉपर्टीज़ में इसका साइज़ कम कर देंगे, अपेयरेंस इसका साइज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 80 रख रही हूँ। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे छोटा है ना साइज़। देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगी, देखिए इमेज भी मूव हो रही है। आप देख रहे हैं जितना जितना मैं लिख रही हूँ इमेज मूव हो रही है, लेकिन जो मैंने लेयर में इमेज डाली है वो मैंने जो लेयर में इमेज डाली है, चाहे मैं यहाँ पे कितना भी टाइप करूँ, लेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मूव नहीं होती है। तो ये यूजुअली आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल कंटेंट डिस्प्ले करना होगा, कोई एडवर्टाइज आपके वेब पेज पे, कोई पॉपअप कंटेंट, कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज, तो ये हम तब बेटा इस्तेमाल करते हैं। तो इनको बोलते हैं लेयर्स। लेयर्स जो है बेटा, आप लोग इनकी पोजिशनिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको व्यू में जाना है। अगर आप इनकी पोजिशनिंग को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यू आ रहा है, यहाँ पे टूल बार में जाना है। ये देखिए यहाँ पे पोजिशनिंग का एक टूल बार है, आप पोजिशनिंग पे जाइए। देखिए यहाँ पे आप लोग इस लेयर का जो पोजिशन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे राइट में कोई चेंज कर दूँगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 9, एंटर कर देंगे। मैं पहले इसको सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे पोजीशन फिक्स्ड। अगर मैंने इसको पोजीशन यहाँ पे देखी, यहाँ पे सारे वैल्यूज चेंज हो गए। आप फिर से नज़र रखिए, देखिए एब्सोल्यूट में वैल्यूज डिफरेंट आते हैं, और फिक्स्ड में अगर मैं इसको फिर मूव करना चाहूँ तो ये मूव हो गया। ये जो है ये पिक्सल वैल्यूज दिखाते हैं। लेफ्ट में ये जो पी एक्स है ये यूनिट है, ये इनको दिखा रहा है इनकी जो पोजीशन है, कितने पिक्सल्स लेफ्ट से है, टॉप से है, राइट से है, बॉटम से, विथ हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब मैं फिर से कुछ टाइप करती हूँ, देखिए फिर से कोई इसमें चेंज नहीं हो रही है। अभी इसका क्या है, मैं इसका फिक्स पोजीशन रखती हूँ। अब देखिए देखिए अभी तक मेरा जब एब्सोल्यूट पोजीशन थी इसकी, तो ये जो टेक्स्ट मैं इमेज के पास लिख रही थी वो गायब हो रहा था। यहाँ देखिए ये देखिए ये गायब हो रहा है। लेकिन अगर मैं पोजीशन फिक्स्ड रखूँ, यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए इसी तरीके से आप लोग इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये खुद से मूव नहीं होगा, आप लोगों को ये खुद से करना पड़ेगा लेयर्स। तो आप बहुत सारे लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML एडिटर में, यहाँ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में। आपकी मर्ज़ी आप कितने लेयर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन सिंस हमें लेयर्स बहुत एडवांस टॉपिक है, हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लेयर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, सो दैट आप कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई पॉपअप वगैरह वो आप लोग अपने वेब पेज में डिस्प्ले कर सकें। तो इस वाले सेशन में बेटा इतना ही, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे।